नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र की। यहां पर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर करीब 60 लीटर शराब को जब्त किया गया। वहीं पर शराब के साथ में दो आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं मैन सरगाना मौके से आरोपी फरार हो गया है। इसकी पूरी कार्यवाही के साथ पुलिस आरोपी को ढूंढने में जुट गई है। चलिए दिखाते हैं खबर आपको पूरी विस्तार से। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिला छतरपुर के गड़ी मलहरा थाना प्रभारी ने पुलिस के साथ में करीब 60 लीटर 300 ग्राम दो बाइक सहित दो लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबकि इसका सरगना एवं रेकी करने वाला नन्हे राजा मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं थाना प्रभारी के एस रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की रात को सूचना मिलने पर जिला छतरपुर के गड़ी मलहरा थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस बल के साथ में करीब 60 लीटर 300 ग्राम देशी शराब के साथ दो बाइक सहित दो लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जबकि इसका सरगना में रेकी करने वाला नन्हे राजा मौके पर फायदा उठाकर भाग निकला। थाना प्रभारी के एस रंधवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगल की रात को सूचना मिलने पर मोटरसाइकिल सवार अवैध रूप से काफी मात्रा में शराब निवारी से लेकर गड़ी मलहरा की ओर जा रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ गायत्री मंदिर के पास पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही बाइक सवार निकले उन्हें पुलिस द्वारा धर दबोचा, जहां आरोपियों से 335 पाव के साथ 60 लीटर 300 ग्राम जिसकी कीमत 28,000 के करीब शराब की जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी अनिल अहरवार नाथूराम अहरवार ग्राम बारी के हैं। तीसरा व्यक्ति नन्हे राजा मैन सरगना रेकी करने वाला पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकला। दोनों अपराधियों के खिलाफ इन पर आबकारी एक्ट के तहत 34(2) की कार्रवाई की गई है व आगे जो भी विवेचना होगी कार्रवाई की जाएगी। मैन मुलजिम तक पहुंचना पुलिस का संभवतः निश्चय ही है। सूचना प्राप्त हुई थी उस पे पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि सूचना मिली थी कि निवारी की तरफ से आ रही है अवैध शराब, मोटरसाइकिलों पर रख के ला रहे हैं और काफ़ी मात्रा में शराब है जो थोड़ी देर में आने वाले हैं। नन्हे राजा करके एक बारी का है, वो अपने साथियों के साथ लेके आ रहा है। तो तुरंत हम लोग निकले, गवाओं के साथ हम पहुँचे गायत्री मंदिर के सामने। वहाँ गाड़ी मंदिर की आड़ में खड़ी करके हम लोगों ने घेराबंदी की। नन्हे राजा आगे रेकी कर रहे आ रहे थे, जो यही देख रहा था कि कोई मिल ना जाए उनको, तो भनक पड़ गई तो वो तुरंत मोटरसाइकिल वहीं फेंक के और वापस भाग गया। लेकिन पीछे ये जो आ रहे थे ये पुलिस को बाकायदा मिल गए। एक है अनिल अहिरवार, दूसरा है नाथूराम अहिरवार। दोनों ये लड़के रहने वाले बारी के हैं और ये उसके साथ मिलकर अवैध दारू खपाते थे। इन पे अपराध कायम हो गया है, विवेचना में है। आगे विवेचना में जैसे जैसे होगा कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह गड़ी मलहरा थाना द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर इस शराब को जब्त किया गया है और साथ में दो आरोपियों को भी पकड़ा गया है। लेकिन जो मेन सरगना है वो अभी भी फरार है। चलिए देखते हैं कि कब तक ये पुलिस द्वारा दबिश के साथ में पकड़ पाते हैं। तो बने रहे पेप्टिक टाइम पर, आपको जल्द आते हैं अन्य और ताजा खबरों के साथ। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।